हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? हैं आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर नीट 2021 में जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको ऑलरेडी मैं दो पार्ट में डिस्कस करके चैनल पर अपलोड कर दिया हूं, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इस चैनल का नाम है वीड इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसी तरह मैं अब नीट 2020 में जितने भी एमसीक्यू आए हुए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उन सभी एमसीक्यू को मैंने इस बार क्या किया है, उनको बहुत सारे टॉपिक में डिवाइड कर दिया है, 4 से 5 टॉपिक में डिवाइड किया है, ताकि 5-5 मिनट का वीडियो बने और आपको देखने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो उसी में से आज का जो मैंने क्वेश्चन लिया है टॉपिक पर, वह है पॉलीमर्स पर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड बेसिक टेक्निशियन केमिस्ट्री। तो ये जो है ये आपका क्लास 11 का टॉपिक है, ये क्लास 12 केमिस्ट्री का टॉपिक है, और पॉलीमर्स भी क्लास 12 का टॉपिक का चैप्टर है। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चंस का डिस्कशन होता रहेगा। तो चलिए सारे बच्चे कॉपी कलम उठा लीजिए और चलिए हमारे साथ सॉल्व करते हैं नीट 2020 का एमसीक्यू। ये जो एमसीक्यू है, ये जो बच्चे नीट 2022 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको पहले ही बता चुका हूं मैं सिर्फ एमसीक्यू का आंसर ही नहीं बताऊंगा, बल्कि उसके अलावा उसमें जितने भी फैक्ट्स बचे हैं, बाकी के 3 ऑप्शंस क्यों गलत है, उनको भी डिस्कस कर लेंगे। इस तरीके से आपका एक उस कंसेप्ट से रिलेटेड एक कंप्लीट रिवीजन आपको हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, ये सवाल है आपका बेसिक टेक्निक्स। बेसिक टेक्निक जो कि क्लास 11 एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर है, उसमें देखिएगा क्वेश्चन पूछा है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो सबसे पहले यहां पर कीवर्ड क्या यूज किया है, क्रोमैटोग्राफी, और ये उसमें डिस्कस किया है एनसीईआरटी किताब में, तो थोड़ा सा समझते हैं क्रोमैटोग्राफी को। तो क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है ना कि इसमें दो फेज होता है, एक फेज है स्टेशनरी फेज जिसको एसपी से डिनोट कर रहा हूं, एक फेज होता है स्टेशनरी फेज, दूसरा होता है मोबाइल फेज जिसको एमपी से डिनोट कर रहा हूं। यहां तक समझ में आ रही है, दिक्कत नहीं? ठीक है, कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर क्वेश्चन को हिट करेंगे। ठीक है, तो स्टेशनरी फेज की अगर हम बात करें तो यहाँ स्टेशनरी फेज आपका सॉलिड हो सकता है, मतलब जो भी आपका फेज होगा, जो भी मटेरियल होगा वह सॉलिड का बना होगा, समझे। दूसरा जो इसमें स्टेशनरी फेज हो सकता है क्या हो सकता है, वह हो सकता है लिक्विड मटेरियल इम्बेडेड ऑन इनर्ट सॉलिड मटेरियल, यानी यहां पर लिक्विड के फॉर्म में भी स्टेशनरी फेज हो सकता है। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ फेज, बट लिक्विड तो मूव करता है, लेकिन आप लिक्विड को स्टेशनरी फेज पर उसको इम्बेड करके उसको चिपका के रख सकते हैं, ये तो बात हो गया। अगर मोबाइल फेज की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि मोबाइल फेज मोबाइल है, मूवेबल है, तो कौन मूवेबल होता है, लिक्विड मूवेबल हो सकता है, गैस भी मूवेबल हो सकता है। तो ये बेसिक था क्रोमेटोग्राफी का कि क्या क्या स्टेशनरी फेज हो सकता है, क्या क्या मोबाइल फेज हो सकता है। क्लियर हो गया, आई बात समझ में? ठीक है, एनसीईआरटी में क्रोमेटोग्राफी को दो भाग में बांटा है, एक भाग है जिसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, और दूसरा उसका जो क्लासिफिकेशन वह होता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। क्लियर हो गया, आई बात समझ में? अब देखिए एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी को फर्दर डिवाइड किया है दो क्लास में, एक है आपका कॉलम क्रोमेटोग्राफी और दूसरा है आपका थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी, शॉर्ट में लिखते हैं TLC। पार्टीशन में एक ही एग्जांपल आता है, वह है पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो याद रखिएगा कि जो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होता है, यहां का स्टेशनरी फेज सॉलिड होगा, इसके एग्जांपल लिख लीजिए, एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है, एग्जांपल के तौर पर होगा आपका एल्यूमिना जेल होता है या सिलिका जेल होगा, ये स्टेशनरी फेज है किसका, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का। तो फिर मोबाइल फेज क्या होगा,
मोबाइल फेज यहां पर लिक्विड होगा, लिक्विड फॉर्म में। आई बात समझ में? दिक्कत समस्या तो नहीं हो रही है? अब बात करते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में, पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं। यहां पर स्टेशनरी फेज होता है लिक्विड, ये लिक्विड एक इनर्ट मटेरियल पेपर पर चिपकाया हुआ रहता है, ठीक है? आई बात समझ में? दिक्कत नहीं। और दूसरा होता है मोबाइल फेज, यह भी लिक्विड है। आपको मैंने पूरा कंसेप्ट दे दिया, अब बना क्वेश्चन, आंसर क्या होगा कि पेपर क्रोमेटोग्राफी जन एग्जाम्पल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब बाकी जो दिया है टीएलसी एडजॉर्प्शन, ये क्या है? टीएलसी और कॉलम खुद एक एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का टाइप है, ठीक है? ये सभी आपका एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का ही टाइप हो गया। इस ऑप्शन वन गलत, टू गलत, थ्री गलत, ओनली फोर इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? दिक्कत समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। सवाल पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटायनिक डिटर्जेंट। कैटायनिक डिटर्जेंट क्या है? इसमें सवाल आया है डिटर्जेंट से, तो डिटर्जेंट हमारा दो टाइप्स का होता है, जान लो। डिटर्जेंट आपका एनसीईआरटी में दिया है तीन टाइप, एक होता है कैटायनिक डिटर्जेंट, दूसरा होता है अनायनिक डिटर्जेंट, तीसरा होता है इसमें नॉन आयोनिक, जिसमें आयंस बने ही नहीं। अगर कैटायनिक डिटर्जेंट की बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका पॉजिटिव चार्ज्ड नाइट्रोजन एटम होता है, ठीक है? अनायनिक में क्या होगा, यहां पर यह पहचानने का तरीका बता रहा हूं, नेगेटिव चार्ज्ड क्या होता है, सल्फेट होता है, ठीक है? आया बात समझ में? ऑप्शन वन देखिए, सीटाइल ट्राइमिथाइल एमोनियम ब्रोमाइड, एमोनियम एमोनियम, ये क्या है, नाइट्रोजन, यानी इसमें नाइट्रोजन होता है। ये खास प्रकार का क्या है, एमीन का डेरिवेटिव है, एमीन का डेरिवेटिव है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ऑप्शन वन करेक्ट आंसर होगा। बाकी ऑप्शन टू देखते हैं, सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, सल्फोनेट सल्फेट है इस पर, अभी बताया क्या होगा, ये बताइए, ये होगा अनायनिक डिटर्जेंट होगा, याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया है। ऑप्शन टू गलत क्योंकि अनायनिक डिटर्जेंट है, ऑप्शन थ्री भी गलत है क्योंकि यहाँ फिर सल्फेट आ गया, ये फिर आपका अनायनिक डिटर्जेंट है। ऑप्शन फोर गलत है, क्यों? क्योंकि सोडियम स्टीरेट डिटर्जेंट नहीं है, ये क्या है, ये सोप है, ये साबुन है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है? किसी को दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में पूछेगा, जवाब जरूर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। डायरेक्ट सवाल है, इसका उत्तर है आंसर थ्री, ये आपका लिख लिए, ये आपका नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है? ये आपका नेचुरल पॉलीमर है, बाकी ऑप्शन वन टू और फोर ये सब क्या है, ये सब आपका सिंथेटिक पॉलीमर्स है। क्या ये सिंथेटिक पॉलीमर्स है? ये अभी आपका सिंथेटिक पॉलीमर्स, एसपी में सिंथेटिक पॉलीमर्स, ये भी आपका सिंथेटिक पॉलीमर्स है। तो आया समझ में? ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है? चलिए लेक्चर ही समाप्त होता है, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगला जो क्वेश्चन लेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वह लेंगे अल्केन अल्कीन एंड अल्काइन पर। इसी तरह सारे टॉपिक से जो क्वेश्चन आया सबके सब कवर किया जाएगा, ठीक है? तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तब तक अलविदा, बाय, टेक केयर।